कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इसी को चरितार्थ कर दिखाया है नेपाल के रहने वाले इस शख्स ने। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम है हरिबुद्धा मागर, जिन्होंने दिव्यांग होकर माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रच दिया। उनके ये कामयाबी दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा भी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में लोग इससे प्रेरित भी होंगे। जानकारी के मुताबिक 43 साल के हरिबुद्धा मागर ने अपने कृत्रिम पैरों से 8,848 मीटर एवरेस्ट की चढ़ाई की और उनकी इस उपलब्धि से दुनिया दंग है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हरिबुद्धा मागर के दोनों पांव नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने अपने हौसले के दम पर माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। बता दें कि हरिबुद्धा मागर का जन्म नेपाल में साल 1979 में हुआ था और उनकी शुरुआती पढ़ाई नेपाल के रोल्पा जिले में हुई थी। साल 1999 में रॉयल गोरखा राइफल्स के माध्यम से ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। मागर ब्रिटिश सेना की ओर से साल 2010 में अफगानिस्तान में एक मिशन पर गए थे, जहां वो एक आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए और अपने दोनों पैर गंवा दिए। इस घटना के बाद मागर ने पैरालंपिक खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया। हालांकि पैरालंपिक खेलों में भाग ले रहे हरिबुद्धा मागर का लक्ष्य कुछ और ही था और उनका लक्ष्य था दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतह करना। साल 2017 में नेपाल सरकार ने दिव्यांग पर्वतारोहियों पर माउंट एवरेस्ट चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद भी मागर ने हार नहीं मानी और दिव्यांग संगठनों के प्रयास से कोर्ट गए और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से लगाए प्रतिबंध को हटा दिया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बाद से लोग हरिबुद्ध मागर के हौसले की तारीफ कर रहे हैं, लोग उनके इस साहस की सराहना कर रहे हैं और ये तय है कि दिव्यांग होने के बाद भी अपने हौसले के दम पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह करने के बाद मागर से आने वाली नस्लें प्रेरित होंगी। And if this wasn't done, I wouldn't even dare to dream of climbing Mount Everest. इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।